हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक कार ओनर हो और आपके पास कोई सी भी कार हो, चाहे ओल्ड हो या फिर न्यू, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त मेरे सामने रखा हुआ है, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। एंड गाइज, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इस प्रोडक्ट के लिए मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं प्रमोट करने के लिए, इसे मैंने खुद के पैसे से परचेस किया है। सो चलो अब मैं आपको सीधे प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, किस तरह का प्रोडक्ट है इस फ्लिपकार्ट के पैकेट के अंदर में। गाइज, ये है माइक्रोफाइबर का कार क्लीनिंग डस्टर, और ये हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम अपने ऑफिस के लिए या फिर अपना कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो है कार को क्लीन करने की। कार को क्लीन करने का दो तीन प्रोसेस है, या तो आप एक नॉर्मल कपड़े से क्लीन कर सकते हो, या फिर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो, और तीसरा ये है कार क्लीनिंग डस्टर। सबसे आसान तरीका है कार क्लीनिंग डस्टर से क्लीन करने का। प्रॉब्लम होती ये है कि जब भी आप अपने कार को क्लीन करते हो नॉर्मल कपड़े से या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, तो हमारा हाथ आसानी से पूरे कार के ऊपर में नहीं पहुंचता है, स्पेशली जो बड़ी कार होती है, चाहे ओल्ड हो या फिर न्यू, तो उन जगह पे हाथ नहीं पहुंचता है आसानी से। तो उसके लिए क्या है, ये है माइक्रोफाइबर का कार क्लीनिंग डस्टर। इसके साथ में एक हैंडल भी आता है। इस हैंडल को लगाने के बाद आप आसानी से पूरे कार को क्लीन कर सकते हो, जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचेगा वहाँ पर भी आसानी से इस माइक्रोफाइबर कार क्लीनिंग डस्टर की मदद से आप अपने कार को क्लीन कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि ये हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आप लोगे तो आपको 700-800 में मिल जाएगा, पर मैंने जो परचेस किया है ये आई थिंक 250 के आसपास का है। इसके साथ में मुझे एक पेपर भी मिला है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। चाइना में भी लिखा हुआ है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये चाइनीज़ है। और ये देखो, ये इसका जो माइक्रोफाइबर लगा हुआ है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट है। अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, ट्राई करूँगा, और मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था यूट्यूब पर, तब जाके मैंने इसे परचेस किया है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे फ़ायदा होगा। मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी है जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, उसकी वीडियो भी है चैनल पर, वो आप देख लेना किस तरह का माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है। उसे भी मैंने बहुत ज़्यादा महंगा नहीं परचेस किया था, आई थिंक वो भी 200 या 300 के आसपास था। तो आप कभी भी अपने कार को क्लीन करो तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से या फिर माइक्रोफाइबर क्लीनिंग डस्टर से, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। इसको कैसे लगाते हैं आपको मैं हैंडल लगा के दिखा देता हूँ। अब आप देखो, ये है हैंडल, और इस हैंडल को मैंने इसके साथ में अटैच कर दिया है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पूरा हैंडल का पार्ट है, और दो पार्ट में ये खुलता है। अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ तो देखो, बंद करके दिखा देता हूँ, ये इस तरह से प्रेस करूँगा, ये बंद हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर तक साफ़ नहीं करना है तो आप सिंपली इस तरह से कर सकते हो, और अगर कार आपकी बड़ी है तो आप इसको खोल भी सकते हो। अब ये वन हैंड से खुल नहीं रहा है, देखो ये मैंने खोल दिया इसको, ये पूरा खुल जाएगा। तो इतना सफिशियंट है आपकी कार को क्लीन करने के लिए। आप उस जगह पे भी आसानी से क्लीन कर सकते हो इस कार क्लीनिंग डस्टर की मदद से, जहाँ पे आपका हाथ इजीली नहीं पहुँचता है। तो इसलिए मैंने कहा गाइस कि ये कार क्लीनिंग डस्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कार को क्लीन रखना। जब भी हम कार का इस्तेमाल करते हैं अपनी पर डे की लाइफ में, तो हर दिन ऐसा होता है कि बहुत सारी धूल चिपकी होती है कार के ऊपर में, और ये जो माइक्रोफाइबर है ना, इसकी सबसे खास बात यही है कि जो कार के ऊपर में डस्ट चिपकी होती है ना, आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। फिर उसके बाद करना क्या है, सिंपली आप इस तरह से ऐसे क्लीन करो, और उसके बाद हल्के हाथों से झाड़ दो, फिर दोबारा दूसरी जगह दूसरी प्लेस पे क्लीन करो, फिर झाड़ दो। इस तरह से 5 मिनट के अंदर में आप अपनी पूरी कार को क्लीन कर सकते हो, चाहे उस पर कितना भी डस्ट क्यों ना हो। अगर आपकी कार महीनों दिन से भी खड़ी हो ना, तो आसानी के साथ इस कार क्लीनिंग डस्टर की मदद से आप उसे क्लीन कर सकते हो, कंपेयर टू नॉर्मल क्लॉथ या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ और नॉर्मल क्लॉथ में क्या होगा ना, कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, जो भी कार ओन करता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि इसको कैरी करना आसान है। जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो, आसानी से आप इसको अटैच कर दो, इस हैंडल को इसके साथ में कार को क्लीन कर लो। ऐसे भी कार पर डे क्लीन करनी होती है, जब भी हम ऑफिस के लिए जाते हैं या अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाते हैं, तो हमें सुबह सुबह कार क्लीन करना ही पड़ता है। तो कार क्लीन किया, कार क्लीन करने के बाद इसको दोनों को अलग कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, इसमें से ये निकल गया, और उसके बाद इसको आप अपने कार में कहीं पर भी, साइड में, डिक्की में, कहीं पर भी रख सकते हो। लाइट वेट है, ये इसका हैंडल है,
दो फोल्ड में है जैसा मैंने आपको दिखाया। ये देखो, ये आसानी से खुल सकता है, ये यहाँ तक खुलेगा इतना। अब ये इसकी लेंथ इतनी है, उसके बाद यहाँ देख लो, तो ये लेंथ अगर आप देखोगे तो काफ़ी लेंथ है इसकी, और इसकी मदद से आपका हाथ आसानी से बहुत दूर तक पहुँच सकता है। अगर आपकी कार बड़ी है तो आप आसानी से पूरे कार को क्लीन कर सकते हो बिना किसी सिंगल स्क्रैच के। अगर आपको यही सेम प्रोडक्ट चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं वहां पर आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। बहुत सस्ता है, 250 के आसपास इसकी टोटल कॉस्ट है। इससे भी महंगा आता है, 700-800 हज़ार रुपये का भी होता है, पर मैंने सिर्फ ट्रायल करने के लिए लिया था और मेरे हिसाब से ये अच्छा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे देख के ये अच्छा लगा। अब क्लीन करने के बाद मैं इसका कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। देखने में अच्छा लग रहा है, इसका माइक्रोफाइबर भी ठीक है, लेंथ भी सही है, अब क्लीन करने के बाद पता चलेगा। सो गाइज, अगर आप सस्ते पे कोई अच्छा कार क्लीनिंग डस्टर ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रोडक्ट ये है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, 250 की रेंज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे बाई कर सकते हो। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से शेयर कर दूंगा। उसके अलावा आप कमेंट में मेंशन करना, वहां पर भी मैं आपसे इस प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से आप आसानी से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। ये आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिलेगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।